मथुरा के जनपद में तैनात डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मथुरा प्रशासन में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से डिप्टी कलेक्ट्रेट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बताते चले कि मथुरा में चल रहे अवैध कार्यों व नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इन दिनों राजीव उपाध्याय द्वारा लगातार छापेमार कार्यवाही का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भूमाफियों को यह बात हजम नहीं हुई और भूमाफियों द्वारा डिप्टी कलेक्ट्रेट राजीव उपाध्याय को देख लेने की धमकी दे डाली। इस संबंध में राजीव उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि करीब लगभग 9 बजे फॉर्च्यूनर सवार नकाबपोश हथियारों से लैस उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और उन्होंने गार्ड से पूछा कि राजीव उपाध्याय यहीं रहता है और हथियार दिखाते हुए धमकाने लगे। वहीं राजीव उपाध्याय को देख लेने की धमकी लेने लेकिन राजीव उपाध्याय के बाहर आने से पहले ही अज्ञात बदमाश वहां से फरार हो गए। इस घटना को लेकर डिप्टी कलेक्ट्रेट राजीव उपाध्याय द्वारा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है, जिसके बाद डिप्टी कलेक्ट्रेट राजीव उपाध्याय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस द्वारा धमकी देने वाले अज्ञात बदमाशों की सरगर्मी से तलाशियां शुरू कर दी गई है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। सर बताएं किस तरह की धमकी आई है आपके पास? कल रात 9:20 की घटना है। मेरे आवास के बाहर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी रुकी, उसमें 4 आदमी 315 बोर की राइफल लिए हुए सवार थे, सफ़ेद अगोचे का ढाटा बांधे हुए थे। इसके अतिरिक्त ड्राइवर जो था वो रिवॉल्वर या पिस्टल लगाए था, वो भी ढाटा बांधे था। होम में घर पर 9 बजे अपने सरकारी आवास पर पहुंच गया था। उन्होंने होमगार्ड को बुलाया, पूछा कि डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय यही रहता है, तो होमगार्डों ने स्वाभाविक रूप से कहा यही रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्जे हटवा रहा है, गिरवा रहा है, इसका समय पूरा हो गया है, इसका हम काम तमाम कर देंगे। ये कह कर के वो फॉर्च्यूनर गाड़ी उप कृषि निदेशक के मथुरा के कच्चे रास्ते की ओर लेकर के यमुना की तरफ चले गए। जब तक मैं निकला तब तक वो जा चुके थे। मैंने संपूर्ण वस्तु स्थिति के संबंध में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को रात्रि में ही पत्र लिख दिया है, जिसकी प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा को भेजी गई है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि आपको आज गनर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सुरक्षा का विषय है, मैं सरकारी ज़मीनों से अतिक्रमण हो, चाहे मथुरा में अतिक्रमण हो, चाहे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की भूमियों पर किए गए तमाम कब्जे हों, ग्राम समाज संपत्ति पर कब्जे हों, पिछले 1 वर्ष 4 माह के कार्यकाल में मैंने तमाम कब्जे जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार हटवाए हैं। भू माफियाओं के दर्द हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, हो सकता है उन्हीं में ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपको धमकी दी है? ये देखे नहीं जा सके, मेरे यहाँ कोई CCTV कैमरा भी नहीं है जिसमें फुटेज ले लेता। होमगार्ड के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं थे, तो वो फोटो ले लेते, गाड़ी का नंबर आ जाता। सर रात्रि लगभग कितने बजे का समय था उस समय? 9:20 की घटना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आपने अगवा कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आपको क्या आश्वासन दिया? अरे जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने आश्वासन दिया है, जिला मजिस्ट्रेट महोदय जिला प्रशासन के मुखिया हैं, हमारे मुखिया हैं, वो जो निर्णय करेंगे वो सिरोधारी होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.